उज्जैन के फ्रीगन क्षेत्र में करीब 8 दिन पहले लोकेश नाम के युवक पर आपसी रंजिश के चलते गोलियां चलाकर जान से मारने की कोशिश की गई थी और इस गोलीबारी में लोकेश गंभीर रूप से घायल हुआ था। गोली चलाने वाले जान से खत्म करने वाले युवकों को माधवनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गंभीर हालात में गोली लगे हुए घायल युवक का उपचार करीब 8 दिन से इंदौर के प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा था, जहां आज युवक लोकेश की मौत हो गई। अब माधवनगर पुलिस गोलियां चलाने वाले युवकों के ऊपर अन्य धाराएं बढ़ाकर भी प्रकरण दर्ज करेगी। फिलहाल युवक के निधन के बाद परिवार में शोक व्याप्त है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।